नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE टीवी और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के जंगलों में परेशानी का सबब बनी चीड़ की पत्तियां यानी पीरुल अब ग्रामीणों की आजीविका का नया साधन बनने जा रहा है। पहाड़ों में जंगल की आग का प्रमुख कारण रहा पीरुल अब सेंचुरी पेपर मिल की भट्टी सुलगाएगा। दरअसल तैलीय होने से चीड़ वाले क्षेत्रों में पेयजल संकट बना रहता है। पीरुल के तैलीय होने से बरसाती पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते चीड़ बाहुल्य इलाकों में भूगर्भीय जल का अभाव बना रहता है। जंगलों में हर साल लगने वाली आग का मुख्य कारण भी पीरुल ही होता है, जिससे हर वर्ष करोड़ों रुपए की वन संपदा राख होती जा रही है। पीरुल की पत्तियों को ग्रामीण जानवरों के नीचे बिछाने का उपयोग करते हैं। लालकुआ की सेंचुरी पल्प पेपर मिल अब पीरुल के उपयोग के लिए एक परियोजना लेकर आगे आई है। ग्रामीणों को करना बस इतना होगा कि वे अपने जंगल से पीरुल एकत्रित करके एक स्थान पर जुटाएंगे और लालकुआ सेंचुरी पेपर मिल उसे खरीदेगा। यह पीरुल 2.5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। सेंचुरी पेपर मिल की इस पीरुल परियोजना का खाका कुछ इस तरह बुना गया है कि ग्रामीणों को इसमें परेशानी का सामना कम से कम करना पड़े। सेंचुरी इस पीरुल को खरीदने के बाद स्वयं ही अपने उद्योग तक पहुंचाएगी, यानी सेंचुरी मिल अब पीरुल से अपनी भट्टियां सुलगाएगी और इससे कंपनी को जो बचत होगी उससे दोबारा से पीरुल खरीदने का बजट तैयार किया जाएगा। फिलहाल प्रोजेक्ट को नैनीताल जिले में बतौर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। आने वाले समय में नैनीताल के अलावा दूसरे जिलों के जंगलों से भी पीरुल की खरीद की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए सेंचुरी पेपर मिल ने 50 लाख रुपए का प्रारंभिक बजट तैयार किया है। इसके साथ हम एक बड़ा प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहे हैं, वो है पीरुल प्रोजेक्ट। पीरुल का प्रोजेक्ट ये एक यू कैन से पायलट प्रोजेक्ट है। हम इसको अप्रैल से करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग में जो भी पीरुल है वो पहाड़ों से इकट्ठा किया जाएगा और उसकी जो पेमेंट है वो 2.5 रुपये पर केजी के हिसाब से उन लोगों को दी जाएगी जो हमें इकट्ठा करके देंगे। इसकी ट्रांसपोर्टेशन या उस जगह से उठाना वो सारी सेंचुरी की जिम्मेवारी होगी और फिर इसको ला के यहाँ ईंधन के रूप में बॉयलर में जलाना और उससे जो भी सेविंग के फ्यूचर में जो रिटर्न आते हैं उन रिटर्न को फिर उन्हीं लोगों को वापस करना जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं या हिस्सेदारी रखते हैं। कौन जनपद है इसके अलावा? और अभी तक तो नैनीताल जनपद है और जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती जाएगी हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे। कितने की शुरू कर रहे हैं पहले? 50 लाख रुपये के साथ। और अब जब सेंचुरी पेपर मिल जैसी प्राइवेट कंपनियां पीरुल के सदुपयोग के लिए सामने आई हैं तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से मुसीबत का सबब बना पीरुल ग्रामीणों को कितना फायदा दे सकता है। लालकुआ से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।